नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। पिछले वीडियो में मैंने आपको बुद्धि के 14 सिद्धांतों के बारे में बताया था, जिसमें आपको सिद्धांत तथा प्रतिपादक के बारे में बताया। आज हम उन्हीं सिद्धांतों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के कई नाम हैं, जैसे एक खंड का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, एक घटक का सिद्धांत या एक इकाई का सिद्धांत, निरंकुशतावादी सिद्धांत आदि नामों से बुद्धि को जाना जाता है। बुद्धि का यह सिद्धांत किसने दिया? ये दिया है बीने, स्टर्न और टर्मन ने। कब दिया है? 1911 में दिया है। बुद्धि का एक सिद्धांत जो है वो प्राचीन सिद्धांत कहा जाता है, यानी इसका संबंध प्राचीनता से है। बिने ने कहा है, और बिने अपनी परिभाषा में कहता है कि बुद्धि जो है वो समस्त प्रकार की क्रियाओं पर आधारित होती है। यानी बुद्धि का आधार क्या है? तो बुद्धि का आधार जो है वो सभी प्रकार की क्रियाएं होती है। जॉनसन ने इसी सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत के नाम से पुकारा है। जॉनसन का कहना है कि यह सिद्धांत जो है निरंकुशतावादी सिद्धांत की ओर जाता है, जिससे बुद्धि का जो है वो ह्रास होता है। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, क्योंकि इसमें मानसिक क्रियाएं जो है वो नियंत्रित होती है। अर्थात अगर व्यक्ति का मानसिक रूप से मानसिक क्रियाएं अत्यधिक सशक्त होती है, तो उसकी मानसिक शक्ति जो है वो इतनी ज़्यादा असरकारक होती है कि उसके सारे कार्य जो है वो मानसिक शक्ति के द्वारा प्रतिपादित हो जाते हैं। बुद्धि यदि आपकी तेज हुई तो आपके सभी कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्य में बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत एक दोषपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है हर प्रकार के कार्य में निपुण नहीं होता। यानी एक व्यक्ति कई कार्यों को कर तो सकता है, लेकिन पारंगत केवल एक ही कार्य में होता है। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है चार्ल्स स्पीयरमैन ने। कहाँ का निवासी था? लंदन का। कब दिया है? 1904 में। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? चिंतन की प्रक्रिया है। यानी बुद्धि में क्या होता है? तो चिंतन होता है। स्पीयरमैन कहता है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, यानी द्विकारक के अंतर्गत पहला कारक कौन सा है? जी। दूसरा कारक कौन सा है? एस। जी जो होती है वो बुद्धि किस प्रकार की होती है? तो वो राजा के समान बुद्धि होती है। इसमें सामान्य योग्यता का परिचय मिलता है। एस कारक जो बुद्धि होती है वो प्रजा के तंत्र के समान होती है। इसमें विशिष्ट योग्यता का समावेश होता है, अर्थात इसमें वातावरण से जो है कई प्रकार से अर्जन करके बुद्धि का विकास कर सकते हैं। एस कारक में बुद्धि कई प्रकार से प्रयोग में आ सकती है, तथा अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा एस कारक के अंतर्गत बुद्धि में परिवर्तन लाया जा सकता है या परिवर्तन संभव है। अब अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा परिवर्तन नहीं हो सकता। किसमें नहीं हो सकता? जी कारक में नहीं हो सकता, क्योंकि जी कारक जो होता है मुख्य रूप से बुद्धि जो होती है वो जन्मजात होती है, और बुद्धि मनुष्य को संख्या के रूप में एक ही मिलती है। यानी प्रत्येक मनुष्य में बुद्धि कितनी होती है? एक होती है, लेकिन वो एक ही प्रकार की बुद्धि का विभिन्न प्रकार से अपने अनुभवों के द्वारा या अपने कार्यों के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण करता है, उस ज्ञान में जो बुद्धि लगती है उसे आप प्रशिक्षण के द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। अर्थात विशिष्ट कार्यों में जो विशिष्ट अनुभव मिलते हैं उसमें जो विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, नाना प्रकार से किया जाता है, वही एस कारक के अंतर्गत आता है। अधिगम और प्रशिक्षण के द्वारा जन्मजात बुद्धि को परिवर्तित नहीं कर सकते। कालांतर में स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत एक कारक और जोड़ा, और उसे नाम दिया बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत या त्रिकारक सिद्धांत। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया 1911 में। उनका कहना है कि विशिष्ट बुद्धि के साथ सामान्य बुद्धि भी कार्य करती है, और प्लस उसमें सामूहिक बुद्धि का या सामूहिक तत्व का भी समावेश होता है। लेकिन स्पीयरमैन के द्वारा जो त्रितत्व और द्वितत्व दिए गए हैं, ये सभी बुद्धि से संबंधित हैं, और ये विवादास्पद होने के कारण किसी भी रूप में मान्य
नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।